पैनी नजर। बारिश हो रही है, आज के समय में इतनी ठंड में घर पे बैठना भी मुश्किल है। घरों में हम हीटर लगा के बैठते हैं और यहाँ पे सड़कों पे इतनी पानी में, इतनी बरसात में हमारे टेंट भीग गए हैं। सरकार को हम पर, हम किसानों पर कोई तरस नहीं आ रहा, वो सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। मौसम सख्त, किसान परेशान, सरकार निकालेगी समाधान, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। सर्दी अपना सितम ढा रही है, सर्दी के इस टॉर्चर में बारिश ने और इजाफा कर दिया है। जरा सोचिए, आप खुले आसमान के नीचे टेंट में कंबल के सहारे एक भी सर्द रात गुजार सकते हैं, सोच के भी सिहरन होने लगती है। इस भीषण सर्दी में आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग टेंट में रात गुजार रहा हो, ये ख्याल ही आपको परेशान कर सकता है। लेकिन पिछले 41 दिन से हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले सैकड़ों परिवार सर्दी के इस टॉर्चर से दो चार हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। बारिश हो रही है, आज के समय में इतनी ठंड में घर पे बैठना भी मुश्किल है। घरों में हम हीटर लगा के बैठते हैं और यहाँ पे सड़कों पे इतनी पानी में, इतनी बरसात में हमारे टेंट भीग गए हैं। सरकार को हम पर, हम किसानों पर कोई तरस नहीं आ रहा, वो सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान वो इंसान है जो खुद भले ही भूखा रहता हो, लेकिन उसकी मेहनत सैकड़ों लोगों का पेट भरती है। लेकिन आज वही किसान सरकार के दरवाजे पर खड़ा है, गुहार लगा रहा है, मनुहार कर रहा है। लेकिन देश की उन्नति और विकास के साथ हर नागरिक के हितों का दायित्व उठाने वाली सरकार उसकी आवाज नहीं सुन पा रही है। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष यूं तो लंबे समय से जारी है। पंजाब के किसान पिछले करीब 6 महीने से कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया और धीरे धीरे पंजाब किसानों के इस काफिले ने एक कारवां का रूप ले लिया। लेकिन किसानों के इस कारवां के लिए दिल्ली का दिल तंग हो गया। सरकार ने किसानों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, ऐसे में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ही डेरा डाल दिया। सिंघू, टिकरी, कुंडली समेत कई बॉर्डर्स पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। लेकिन अब सर्दी के साथ बारिश ने यहां डटे किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सर्दी से आए दिन कोई ना कोई किसान मौत की नींद सो रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक किसानों की मांगों पर कोई समाधान नहीं निकाला है। बातचीत के 8 दौर पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों की 2 प्रमुख मांगों पर सरकार का होमवर्क आंदोलन के पहले दिन जितना था उतना ही अब भी है। ऐसे में सवाल आज यही कि आखिर सरकार समाधान की बजाय तारीख पर तारीख क्यों दे रही है? टेबल टॉक करने वाले मंत्री आखिर क्यों नहीं समझ रहे टेंट में रहने वाले किसान की पीड़ा? किसानों पर इस मौसम की मार ने कितना असर डाला है, हौसला कितना डिगा है और इस मौसम के सख्त रुख को किस तरह से वो मात देने की तैयारी कर रहे हैं और क्या कहना है सरकार के रुख पर, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद डालते हैं सवालों पर नजर। और अब जैसे बारिश ने ये सारा सिस्टम टेंट वगैरह भिगो दिए थे, अब यहाँ वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है और पक्का, अभी कोई भी आए रहे किसी को कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, जैसे मर्जी आ सकता है। बारिश से तो जो परेशानी थी अब वो भी हल हो जाएगी, पक्का टेंट लग रहा है। जब तक सरकार नहीं मानेगी टेंट भी नहीं हिलेंगे। प्रभजोत सिंह धालीवाल जिला लुधियाना से आए हुए हैं, पहले दिन से आके बैठे हैं यहाँ पे 26 तारीख से, और 26 तारीख से हमें मिल क्या रहा है, तारीखों पर तारीख मिल रही है। हर एक बार सेंटर कहती है भी आपको 4 तारीख को हल हो जाएगा, अब 8 तारीख दे दी। आप देखो भी इतना बुरा हाल है मौसम का, बारिश हो रही है, आज के समय में इतनी ठंड में घर पे बैठना भी मुश्किल है। घरों में हम हीटर लगा के बैठते हैं और यहाँ पे सड़कों पे इतनी पानी में, इतनी बरसात में हमारे टेंट भीग गए हैं। बुजुर्ग जो बैठे हैं 60 साल 70 साल 80 साल वाले, उनको कितनी बीमारियाँ, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पर सरकार को हम पर, हम किसानों पर कोई तरस नहीं आ रहा, वो सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। और अगर ये संघर्ष आगे चला तो 26 तारीख को, 26 जनवरी को किसान परेड भी होगी दिल्ली में।
तो किसानों ने अपना पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, पूरी रणनीति उन्होंने बना रखी है कि किस तारीख को क्या करना है और 26 तारीख गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने किस तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। तो सरकार के सामने किसानों की मांगे पूरी तरीके से स्पष्ट हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। कुछ सवाल यहाँ पर खबर फास्ट ने भी अपने मंच से उठाए हैं, पहले डाल लेते हैं उन पर नजर, फिर करेंगे जिम्मेदारों से बात। ठंड और बारिश में बैठे किसान, सरकार कब निकालेगी समाधान? 8 बार हो चुकी बातचीत, सरकार अब भी क्यों दे रही तारीख? किसान आंदोलन में हर रोज जा रही कोई जान, कैसे पूरा होगा ये नुकसान? क्या 8 जनवरी की बातचीत में सरकार मानेगी किसानों की मांग? सबसे अहम और बड़ा सवाल यही कि 8 जनवरी को जो बातचीत होने वाली है 9वें दौर की, क्या इस बातचीत में कोई हल निकलेगा? जो टेबल टॉक लंबे वक्त से चल रही है, कितने ही दौर इस बातचीत के हो चुके हैं, क्या इस बातचीत में ये बातचीत आखिरी होगी? 8 जनवरी को होने वाली बातचीत, क्या ये मान ली जाए कि अब आखिरी बातचीत होगी और कोई समाधान ही इस बातचीत के जरिए अब निकलेगा? तो सवाल आपका, मैं हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपना सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये जो आंदोलन लंबा खींच रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार नहीं समझ पा रही या किसान जो है अपनी बात अब तक नहीं समझा पाए हैं सरकार को? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सतीश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा किसान नेता हरविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल बीजेपी प्रवक्ता सतीश गर्ग से पूछना चाहूंगी। सतीश जी, क्या किसानों की तकलीफ पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है सरकार को, जो बार बार इतने लंबा वक्त यहाँ पर बातचीत के लिए दे दिया जाता है? एक यहाँ पर बातचीत हुई 4 जनवरी को और अगली बातचीत के लिए सीधा 8 जनवरी की तारीख। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों से पूछा गया कि किस तारीख को बैठना है, पिछली बार भी आपको ध्यान होगा तो किसानों ने जो समय दिया उस पर बैठे और किसानों से लगातार बातचीत हो रही है और जाकर भी बातचीत हो रही है, बुलाकर भी बातचीत हो रही है। कारण क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि देश में 12 करोड़ किसान हैं, अभी 9 करोड़ किसानों को आपने देखा होगा मोदी जी ने 2000 रुपए प्रति किसान जो भी वो सम्मान निधि है वो भेजी है और वो लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जा चुकी है और खुद कह रहे थे भी कि कुछ 1000 किसान यहाँ बैठे हैं। सतीश जी, क्या किसान सम्मान निधि दे देने का मतलब ये होता है कि वो किसान आपके समर्थन में आ गए हैं? इनमें से कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने उस किसान सम्मान निधि को लौटा भी दिया है, वो चेक लौटा दिए हैं? खुद कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर जिन किसानों को ये सम्मान निधि दी जा रही है वो इसके पात्र ही नहीं है, किसानों के नाम पर कोई और ही वो रकम ले रहा है। ऐसे कितने ही राज्य हैं जिन्होंने इस तरह के लोगों के लिए नोटिस जारी किए हैं? अब आप बताइए, ऐसे किसान सम्मान निधि क्या सही में जो हकदार है किसान उनको पहुंच रही है? और अगर जो सम्मान निधि पहुंच भी रही है, क्या उससे वो सारा कुछ अपनी फसल का बिजाई और उसकी रुपाई कर सकते हैं, मजदूरी उनकी निकल सकती है? 6000 रुपए सरकार सालाना देती है, इसमें कितना किसान अपना कर सकता है गुजारा? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो लिस्टे है राज्य सरकारों ने दी है और केंद्र सरकार उस पर पैसा भेज रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर नाम को केंद्र सरकार चेक करेगी, ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि ठीक नाम दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ 1000 किसान नहीं है देश में और सिर्फ एक राज्य में ही किसान नहीं है, पूरे देश में अलग अलग सब राज्यों में किसान है, खेती होती है। 12 करोड़ लगभग किसान है देश में और सिर्फ ये पंजाब का विषय नहीं है। और ये सर आप यहाँ पर ये मत कहिए कि संख्या और अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक किसान, किस किसानों की संख्या कितनी है? लोकतंत्र में ये भी कहा जाता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को जो है सजा नहीं होनी चाहिए, आप उस सिद्धांत को क्यों नहीं देखते हैं? चलिए इस पर हम बात करेंगे सर। अगर यहाँ पर 100 किसान भी बैठे हुए हैं ना तो सर उनकी बात सुननी चाहिए, सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? मैं बात करूंगी इस पर, आगे आएंगे आपसे बात करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, करतार हमारे साथ झज्जर से जुड़े हैं करतार सिंह और जगबीर हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका करतार सिंह जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैडम, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं मोदी जी ने 18000 करोड़ रुपए खैरात, हमारे को ये खैरात नहीं चाहिए,
और ये किसानी करते हैं कि नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, बीजेपी की परिवर्तन से मैं खुली डिबेट करना चाहता हूँ। आप चलिए सर, जो आप सम्मान कह रहे हैं उसे किसान अब अपने लिए खैरात समझ रहा है। जी जी करतार जी, ये खैरात और मैं खुली डिबेट के लिए मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी की परिवर्तन को, आप कभी हमारे को बुलाएं। और देश के लोगों और किसानों को दी गई है, कोई एक व्यक्ति आकर और चैनल पर कहेगा कि नहीं वो खैरात चैनल पर आकर के सरकार या बोलते हैं मैडम नहीं करती है, इनकी रेटी डिटाइल बात है, मोदी जी मन की बात करते हैं और कोई भी आकर ये बता दीजिए। मन तो मैं कितनी मजबूरी आ जाती है जब लोग इस तरह से बात करते हैं, कौन चाहेगा उसे खैरात मिले, सब चाहेंगे ना सम्मान मिले, लेकिन अगर आज कोई किसान अपने लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, सोचिए सर। उपज का डेढ़ गुना कम से कम मूल्य मिले। चलिए बहुत शुक्रिया करतार जी, जगबीर हमारे साथ जुड़े हैं। जी जगबीर जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम एक बात बता दूं, बताइए आके ये क्या कर्ण धरने वाले तो सह नहीं जो बैठे है बीजेपी वाला, यो वो कल वो प्रधानमंत्री का था बोले 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेज दिए प्रधानमंत्री जी के लिए। इस देश में मैडम है 45 करोड़ किसान है क्या ना जी, जरा आप कहिए कि जरा तो ये 9 करोड़ किसानों के खाते में क्यों भेजे हैं, ये बीजेपी के किसान है 9 करोड़, बाकी ये जो पैसे उन का खाते में जा है जो इनके पन्ना प्रमुख दस्तक रहे हैं और उस न्यारे जो इनके पन्ना प्रमुख जिनके फार्मा पर दस्तक ना करते उनके सामना नहीं, ये पैसे नहीं मिलते, इन पहले तो बोलन तो बंद करो। सतीश जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा है, आम दर्शक हैं, आम जनता है देश की, अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं, अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं आपको। जी हाँ, ये सुनना नहीं चाहते, किसी को बोलने नहीं देना चाहते। ये जो पैसे है ना 9 करोड़ किसान, वही है जिन पर दस्तक इनके पन्ना प्रमुख ने किया है, जो दूसरे किसान है ना जो दूसरी पार्टियों को वोट करते हैं उनको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया जगबीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक कुरुक्षेत्र से राज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका राज जी, रखिए अपनी बात। जी कहना, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जो आप किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जी जो मेरे यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि ठंड का मौसम है, बहुत बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, लगातार बरसात हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इस बीच में किसान वहाँ पे बैठे हैं, किसानों की क्या कोई शौक है कि वहाँ पे बैठे किसानों की बात सुननी चाहिए, 8 बार बात सुन के उनकी दो उनकी शर्तें भी मान रहे हैं, कम से अगर नहीं माननी कम से कम उनको बोल तो दीजिए कि हम आपकी शर्तें नहीं मान रहे, या उनकी मान लीजिए। बेचारे वहाँ पे मर कम से कम 70 से ज्यादा किसान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इनकी बातें माने, स्पष्ट जवाब दे दिया जाए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राज सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक यमुनानगर से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका कुलदीप सिंह जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। मैडम जी मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है जी। तो बीजेपी सरकार यहाँ तो पूरी तरह मैंने फैल दी थी मैडम जी, मैंने 6 महीने से आपके टीवी चैनल पे खबर पास्ट में यही बात कह रहा भी, मेरे जोहड़ का पानी मेरे खेतों में रहा, 4-5 किले मेरे खराब रहेगी होंगे, जोहड़ का पानी मजे रहा, भूमि संरक्षण विभाग का पैसा आया पड़ा 6 महीने से, मई के महीने पैसा है गया, आज थोड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी बात हुई भाजपा के प्रवक्ताओं से, सीएम बिंदवा दरखास्त भी दे ली तो कोई कार्रवाई नहीं, कारण क्या है इसका, भाजपा के प्रवक्ता से बात पूछना, कहां मैं जाऊं, मेरी तो गेहूं खराब है बाढ़ से गी पानी मेरे खेतों में जाएगा तो मैं कहां जाऊं, भाजपा के प्रवक्ता से बात जरूर पूछनी मैडम जी, भी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। एक बार फिर से अपने गांव का नाम जरा बता दें। मेरा गांव का नाम सुधैल है जी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और रोहतक से रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका रणबीर, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। कायना जी पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता को आप डिबेट के लिए बुलाते हैं तो कम से कम किसान तो जिसको पता हो कि किसान का दर्द क्या होता है, अब गर्ग साहब को क्या पता है, कभी खेत में जाकर देखा है, अगर इनको देखा होता तो ये नहीं बोलते कि ये किसान
और भी हैं, और भी पूरे देश का किसान इकट्ठा बैठा है और ये 2000 रुपए को नहीं काटते, ये जो पूंजीपतियों का कर्ज माफ करते हैं तो उसका ऐसे नहीं करते कि इतने करोड़ माफ कर दिया पूंजीपतियों का, इनका जब कभी ब्याज माफ करते हैं, कभी कंपनी दिवालिया निकाल कर चली जाती है तो उनका नहीं बताते कि हमने इतना माफ कर दिया, किसान को 2000 रुपए नहीं चाहिए, 2000 हमारे से और ले लो। ये किसान कानून लेकर आए, किसी से पूछ कर लेकर आए क्या? सिर्फ किसान तो यही कहता है इनको वापिस लो, हमारे को नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को बर्बाद करने वाला कानून है ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर जी। एक और दर्शक बलबीर भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका बलबीर जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी नमस्कार जी। जी देखो जी, ये कानून सरकार ने बनाया ना, हम दुखी हुई। मैंने कपास दी थी 4 तारीख को, आज तारीख होली 5, पैसे नहीं आ रहे जी। वो कारखाना वाला तक बात हुई, मैं बोला सीएम का कागज दू, बोला पीएम का दे दे पिता हंड ले के करा जी। आपने मंडी में बेची थी ये फसल? नहीं नहीं, कारखाना में दी थी जी, मैं उससे बात करी, मैं एक बिना हो गया पैसे है, सीएम तो मिलूं, बोला सर पीएम तो मिल ले, किसान मिल लेगा। बताइए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कानूनों में यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से किसान सीधा डायरेक्ट डील कर रहा है तो किस तरह की दिक्कतें उसके सामने आ रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव यहाँ साझा करने के लिए। सतीश हमारे साथ जीन से जुड़े हैं, एक और दर्शक, स्वागत है आपका सतीश जी, रखें अपनी बात। मैं ये कह रहा था आपसे कि जब तीनों कानून आए हैं, जब किसान ये बात करते हैं कि हाँ साहब ये तीनों कानून रद्द करो, मैडम ये बीजेपी का प्रवक्ता बोलते हैं, ये तीनों कानून बड़े कानून है, ठीक नहीं आ रही आवाज। अरे ये तो अपने वो चलाते हैं दुकान है इनकी, रिलायंस है, अडानी अंबानी है। चलिए किसान को ये किसान नहीं समझते। सतीश जी क्या लग रहा है, ये जो अब बातचीत होगी अगले दौर की, उसमें कोई हल निकलेगा, सरकार समाधान करेगी? मैडम देखिए ना तो सरकार मानती थी, देश में 12 करोड़ किसान में रहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैडम अगली मीटिंग में 8 तारीख को निकलता ना, किसान मानते हम तो मानते नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सतीश हमारे साथ जीन से जुड़े थे, सतीश गर्ग जी आपसे आऊंगी और आपका पक्ष मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ जो युवा किसान नेता हरविंदर थिंद जुड़े हुए हैं, अब उनसे भी मैं उनका पक्ष लेती हूँ। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, आपने खुद सुना प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर सरकार की पॉलिसी का फायदा गिनवा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े उन्होंने यही कहा कि ऐसे भाई पॉलिसी नहीं चाहिए, किसान जो मांग कर रहा है वो मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि 12 करोड़ किसान हैं, 9 करोड़ किसान जो हैं वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहे हैं, एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं कानूनों को। क्या कहेंगे आप हरविंदर जी? सबसे पहले सभी को नमस्कार, और अभी ये बोल रहे थे कि 2000 रुपए हमें दिए हैं किसानों को, क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर कितना जीएसटी लगा दिया, ये बताने का कष्ट करेंगे डीएपी का आज क्या रेट है, ये बताने का कष्ट करेंगे कि 5 किलो जो हमारी खाद मोदी साहब ने निकाल ली कट्टे में से उसका क्या जवाब है इनके पास, ये बताने का कष्ट करेंगे कि डीजल के क्या रेट है। सिर्फ 2000 रुपए का गुणगान करके किसान को भ्रमक जो प्रचार किया जा रहा है ये अब नहीं चलेगा। और दूसरा ये बताने का कष्ट भी क्या सतीश गर्ग जी करेंगे कि क्या ये जो अभी कॉल कर रहे हैं दर्शक और मैं खुद, क्या हम ये हरियाणा से भी हैं या कहीं और से हैं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने तो ये कह दिया था कि हरियाणा के लोग इस आंदोलन में है ही नहीं, तो ये भी बताने का कष्ट कर दिया जाए कि क्या हरियाणा के लोग इस आंदोलन में है। अभी इन्होंने कहा था कि राज्य विशेष के लोग हैं उसमें, और ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बड़े भाई पंजाब का नाम ले रहे थे, कभी उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर बांटना बंद कर दे भाजपा, अब किसान जाग चुका है। और इनकी जो ये स्ट्रैटर्जी थी कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके वोट खरीदे जाएं, वोट ले लिए जाएं जनता से, आज खाप पंचायतें किसान आंदोलन में है, आज सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन में है, ये अब नहीं चलेगा। तीसरा इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री के
लिए जो शब्द प्रयोग किए जाए वो माननीय किए जाए। सही बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम चुने हुए हैं जनता के द्वारा, लेकिन क्या ये जो नियम जनता पर ही लागू होता है देश के प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता? क्या प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी आम जो किसान है उनको खालिस्तानी कहना ठीक है, उनको वामपंथी कभी कुछ कभी कुछ कभी आतंकवादी कहना ठीक है? और बड़ी शर्म की बात है कि कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो खालसा एड को भी जो आतंकवादी नाम देते हैं, जिनको दुनिया मानती है, जिन्होंने दुनिया में खाना खिला दिया, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या ये लोगों के लिए उपदेशक है? अगर सम्मान किसी के लिए तो सभी के लिए वो बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, हम आएंगे इस पर बात करेंगे। एक और दर्शक पेहोवा से साहिल हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका साहिल, रखिए अपनी बात। जी कायनात, नमस्कार। जी जी, मैं पेहोवा की बात करूंगा कायनात जी। जैसे कि कह रहे हैं कि फायदा होता है, मैं तो दोनों प्रवक्ता है, किसान नेता है भाई और सतीश गर्ग जी से, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ और अभी मैं लाइनिंग पे इनका जवाब भी लेना चाहूंगा जी, जी। कि जैसे कह रहे कि फायदा होता है, इसमें फायदा क्या? इन्होंने पहले पोर्टल बना लिया, पोर्टल के अनुसार ये कहते हैं कि मंडी में इस दिन लेके आओ इस दिन लेके आओ, इसमें किसान परेशान हुआ है? अगर नहीं परेशान हुआ तो सतीश जी जवाब दें इस बात का। दूसरा, जब हम आड़ती पे अपनी फसल गेर देते थे ब्याज बिल्कुल बंद हो जाता था, लेकिन अब की बार ना ब्याज बंद हुआ, पैसे भी इतनी लेट आए, आड़ती का ब्याज भी चल रहा है। दूसरी तरफ हमें जैसे कनक बीजनी थी, हमने दवाई खाद लेने थे, उनसे पैसे हम धार में ले लेते, अब वो भी हम विश्वास नहीं करता किसान पे, क्योंकि पैसा तो किसान के खाते में आता है, आड़ती विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सतीश गर्ग जी इसका अभी जवाब दें प्लीज। सतीश जी, जी जो आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला, अभी कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कह दिया, मैं नहीं। सतीश जी, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं, उन्होंने जो सवाल अभी यहाँ पर किया वो चाहते हैं पहले आप उसका जवाब दे दें, हम फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो मेरे पास जो आपके चैनल की आवाज है कुछ कम है और कुछ कारण जो बात पूछी इन्होंने, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो बंद की, ना आरती बंद किए हैं ना MSP बंद की है, सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं और खोल ली। साहिल, साहिल एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप बात दोहरा दें ताकि सतीश जी फिर से खुद सुन लें आपके मुंह से। मैं बताना चाहूंगा कि इनसे ये पूछ लो कि बिचौलिए कौन है, फिर बिचौलिए शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाए। जी साहिल, उसी दिन से हमारा ब्याज बिल्कुल बंद हो जाता था, लेकिन अब हमारा ब्याज भी ऐसे चल रहा है, सरकार ने पैसे भी टाइम पे नहीं डाले, बाद में सरकार ने कह दिया था कि आपके ब्याज के साथ पैसे आएंगे, ना तो ब्याज के साथ पैसे और ना ही हमारा ब्याज बंद हुआ। और दूसरा, हमें फसल जो दोबारा गेहूं की फसल बीजनी उसमें हम लेट हो गए, हमें दवाई बीज लेना था, जब तक हमारे दवाई बीज वालों के पैसे नहीं गए उन्होंने हमारे को दवाई बीज नहीं दिया, तो इसमें किसान का फायदा क्या है? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सतीश गर्ग जी को, फायदा कहाँ पे है इसमें? आप हरियाणा सरकार की योजना की बात कर रहे हैं, मेरा पोर्टल जो सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जो लॉन्च की थी। जी सतीश गर्ग जी, इस योजना में सरकार ने एक पोर्टल बना दिया था, रजिस्टर्ड किसान यहाँ पर रजिस्टर्ड कराते थे, अपनी फसल को बेचते थे। अब यहाँ पर इनका कहना है, खुद यहाँ पर भुक्तभोगी हैं उस चीज के, कि अब मंडी में फसल जाने के बाद भी पैसे नहीं आए हैं, जो आड़ती है उसका भी ब्याज जो है वो लगातार चल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, फसल मिल जाने के बाद में ब्याज भी चढ़ना बंद हो जाता था, लेकिन अब उसका ब्याज भी जारी है। दूसरा, यहाँ पर पेमेंट लेट हुई है, अभी तक नहीं हुई है, पेमेंट भी लेट नहीं हुई है, सरकार ने कहा था कि ब्याज के साथ पैसा आ जाएगा, वो भी नहीं आ रहा। बहरहाल, इनका कहना है कि सरकार ने जो योजना बनाई थी उसका फायदा मिलने के बजाय और नुकसान हुआ है। अभी जो ये बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की योजना की बात कर रहे हैं जी, और मैं क्षमा के साथ कहूंगा क्योंकि मैं दिल्ली का प्रवक्ता हूँ और आपने मुझे जोड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी सरकार ने वायदे किए हैं वो पूरे होंगे, कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप है तो मैं भी कोशिश करके उसको पूरा कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जरूर आपकी बात जो है आगे तक पहुंचेगी और ये समस्या ना हो इसके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। जी जी सतीश जी, जो दूसरी बात ये है, जो बात ये कह रहे हैं मैं भी यही कह रहा हूँ कि सरकार ने, क्योंकि इतना बड़ा देश है और मंडियों को जिस तरह कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिख दिया मंडियां बंद कर देंगे और बंद कर देंगे, इस तरह केरल में आज के दिन वहां पर APMC है ही नहीं। हमने कहा है कि किसानों को जितने ऑप्शंस वो चाहते हैं उससे ज्यादा ऑप्शंस दिए जाएं। उनको लगता है खेत पर माल बिके अच्छी बात है, उनको लगता है किसी के साथ मिलकर माल बेचा जाए वहीं की वहीं अच्छी बात है,
उनको लगता है नहीं उसी मंडी में आकर माल बेचना है तो अच्छी बात है। किसान को लगता है कि अपना कार्टेल बनाकर इकट्ठा का इकट्ठा किसी समूह को माल बेच रहे, यानी सरकार ने रस्ते खोले हैं बंद नहीं किए हैं और इस बात को किसानों को समझना चाहिए और समझ भी रहे हैं। नहीं तो मैंने ये नहीं कहीं कहा कि भाजपा के साथ 9 करोड़ सर तेज जी अगर समझ रहे होते तो अभी तक क्यों बैठे होते इतनी तेज सर्दी में। देश में 12 करोड़ किसान है और 12 के 12 करोड़ में से अधिकतर सैकड़ों संगठन आकर कृषि मंत्री जी से मिलकर गए हैं और उन्होंने धन्यवाद दिया है। सिर्फ एक या दो राज्यों के क्योंकि दिल्ली निकट है और किसी तरह से इसको घेर कर ये बात जो कह रहे थे ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनके आंदोलन में सर क्या आपने उस घटना के बारे में नहीं सुना जब रेवाड़ी में हुआ वहाँ पर गुजरात से महाराष्ट्र से आए हुए किसान यहाँ पर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में राजनीतिक दल भी है, भड़काने वाले लोग भी है, अपने घोषणा पत्र में कुछ वायदे करते हैं और यहाँ आकर कुछ कहते हैं वो लोग भी हैं, और जो लोग ऐसे भी हैं जो किसानों के आंदोलन को खराब करना चाहते हैं और बदनाम बीजेपी को करना चाहते हैं वो कांग्रेस जहाँ पर कांग्रेस ये किसानों का आंदोलन हो रहा है वहाँ पर खालिस्तानियों के फोटो लगाते हैं, वहाँ पर उमर खालिद जैसे के फोटो लगाते हैं। तो किसानों को चाहिए ऐसे लोगों को पहचान कर सरकार के सामने लाए और उनको कहें साहब ये किसान नहीं है, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। अगर सरकार ये बात समझ रही है तो फिर वो क्यों सबको एक लाइन में सबको गिन रही है? अगर खुद सरकार समझ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ पर हो सकते हैं तो फिर सबको एक लकड़ी क्यों हाँका जा रहा है? हरविंदर थिन जी पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप सुन लीजिए, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप कह रहे हो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस ये कह रही थी कांग्रेस वो कह रही थी, जनता ने आपको चुना है इसलिए चुना क्योंकि आपने वो बातें नहीं कही थी कि हम ये कानून लाएंगे। अब जनता ने जब आपको चुन लिया और आप वही मैनिफेस्टो उठा के आपने आपको चुना गया था कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू करने के लिए, ये बता दीजिए पहले। तो दूसरी बात आपने पहले सुन लीजिए सर, आपने जो बोला आप बार बार यही कहते हैं ना कांग्रेस भी तो यही करना चाहती थी, आज विरोध वो क्यों कर रही है? कांग्रेस जो है आप बार बार कांग्रेस की बात फिर ले आते हैं, यहाँ पर किसान की बात आपको सेकेंडरी दिखाई देती है। चलिए अंतिम सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी, वक्त मेरे पास कम बचा है, मुझे चर्चा को समाप्त करना है। क्या इस बार सरकार मान लेगी संशोधन के बजाय सरकार पूरा हल करेगी यहाँ पर किसानों की मांग मानेगी सरकार? सरकार जी हर हल करना चाहती है लेकिन ये जिद किसानों को भी छोड़नी चाहिए कि पहले हरविंदर जी, हरविंदर जी क्या लगता है बन जाएगी इस बार बात? बड़ी शर्म की बात है ये कह रहे हैं किसान जिद पे अड़े हैं, जिद पे अड़ करके कोई इतने बारिश के अंदर इतनी ठंड के मौसम में सड़कों पर नहीं बैठता, जिद वो करता है जो एसी कमरों में बैठता है। और माननीय हमारे कृषि मंत्री सर अगर किसी खिलौने के लिए बच्चा भी यहाँ पर जिद करता है ना, नहीं माँ कर रही होती है देने के लिए तो वो भी मान जाती है यहाँ पर, अगर उसकी हैसियत भी नहीं होती ना देने की वो खिलौना वो भी दिला देती है। अगर यहाँ पर इस तरह से बच्चा जिद पर अड़ जाए तो यहाँ पर इतने किसान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं तब भी सरकार को लग रहा है कि ये जिद है, अगर ये जिद है तो भी मैं कहूंगी कि मान लेनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सरकार का रुख अभी तक वही दिखाई दे रहा है जो पहले था, वो संशोधन के लिए तो खुले मन से तैयार है लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग किसान कर रहे हैं वो उस पर अब भी राजी नहीं है। उम्मीद यही है कि इस बार सरकार मसले के हल के लिए मानवीय पहलू को सामने रखकर कोई समाधान निकालेगी क्योंकि किसानों के संघर्ष में अब तक कई जानें कुर्बान हो चुकी हैं और किसान साफ कर चुके हैं कि मांग पूरी होने तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। बारिश हो रही है, आज के समय में इतनी ठंड में घर पे बैठना भी मुश्किल है, घरों में हम हीटर लगा के बैठते हैं और यहाँ पे सड़कों पे इतनी पानी में इतनी बरसात में हमारे टेंट भीग गए हैं। सरकार को हम पर हम किसानों पर कोई तरस नहीं आ रहा, वो सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं।